वेलकम टू यूनिवर्सिटी अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कंसेप्ट ऑफ क्लाउड साथ साथ सेंसर नोड्स के बारे में स्टडी करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ IoT सिस्टम को स्टडी करा था। चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ क्लाउड। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि क्लाउड का मतलब क्या है। वैसे तो क्लाउड का मतलब यहाँ पर इंटरनेट से है, लेकिन एक्चुअली में आप अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं इसका एग्जांपल। जैसे कि आपके पास फ़ोन अवेलेबल है, फ़ोन के अंदर आपके पास फ़ोटोज़ हैं। आप चाहते हैं अगर कि आपके पास ये जितनी भी फ़ोटोज़ हैं, आप अगर न्यू फ़ोन परचेज़ करते हैं और आप चाहते हैं कि ये सारी फ़ोटोज़ उसमें भी आ जाएँ, तो वो कैसे आएंगी? जस्ट बिकॉज ऑफ गूगल फ़ोटोज़ के कारण। कैसे? आप बस इतना करेंगे कि एक आप ईमेल आईडी बनाएंगे जीमेल पर, और जब आप फ़ोन को एक्सेस करेंगे तो वहाँ पर जीमेल आईडी के ज़रिए आप सारी फ़ोटोज़ या सारा डेटा रिकवर कर सकते हैं। अगर हम इसका दूसरा एग्जांपल लें, तो जैसे सपोज़ आपके पास कोई पर्टिकुलर डेटा है और आप दिल्ली में बैठे हुए हैं और आप उसे चेन्नई में एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? अपने सिस्टम से वो डेटा को हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव के ज़रिए वहाँ ले जाएंगे चेन्नई में, और वहाँ जाकर उसे दूसरे सिस्टम पर एक्सेस करेंगे, जो कि ज़्यादा कॉस्ट कंज्यूमिंग है और टाइम कंज्यूमिंग है। कैसे? हार्ड ड्राइव और पेन ड्राइव जो हैं वो थोड़ा अगर हम इकोनॉमिक की बात करें तो वो इकोनॉमिक नहीं है, क्योंकि हार्ड ड्राइव जो है वो 4-5 हज़ार में मार्केट में मिलेगी आपको। वो डिपेंड करता है आप कितने गीगाबाइट्स या टेराबाइट्स की लेते हैं। साथ साथ अगर आप पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं तो वो 1000 तक की रेंज में आती है। वैसे तो 200-300 में भी आ जाती है, लेकिन एक जनरल एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप ये सब ना लेकर क्लाउड कंसेप्ट का यूज़ करेंगे, लाइक आप गूगल ड्राइव यूज़ करेंगे, तो गूगल ड्राइव के ज़रिए आप पर्टिकुलर डेटा किसी और सिस्टम पर ओपन कर सकते हैं। कुछ वैसे तो कुछ अमाउंट तक डेटा फ्री होता है, लेकिन अगर उसके बाद आपको एक्सेस करना है तो 100-200 रुपीज़ दे के आप उसे किसी भी सिस्टम पर डाउनलोड कर सकते हैं। वो जस्ट बिकॉज ऑफ आपका कंसेप्ट ऑफ क्लाउड के कारण ही हो पाया, क्योंकि कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनी हैं जो ये सर्विसेज हमें अवेलेबल कराती हैं, और जो कि हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग भी कम है एज़ वेल एज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। मतलब कम पैसों में हमें हमारा पूरा डेटा कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो दिल्ली और चाइना का हमने चेन्नई का हमने एग्जांपल लिया है। ऑल ओवर दी वर्ल्ड, लाइक अगर हम कैलिफोर्निया में हैं तब भी हम हमारा वो डेटा एक्सेस कर सकते हैं। बस हमें एक सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत होगी, जहाँ पर हमें अपना एक अकाउंट बनाना है, उस अकाउंट के ज़रिए वो डेटा हम कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इतनी जो हमारे पास ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, इसकी ज़रा डेफिनेशन भी देख लेते हैं जो आप लोगों को एग्ज़ाम में लिखनी है। वो डेफिनेशन है आपकी कि कंसेप्ट्स ऑफ क्लाउड में जो है, क्लाउड रेफर्स टू दी सर्वर्स। यहाँ पे क्लाउड जो है सर्वर को रेफर कर रहा है, दैट आर एक्सेस्ड ओवर दी इंटरनेट, जो कि इंटरनेट पर एक्सेस किया जाएगा। मतलब ये जो है आपका तभी एक्सेस होगा जब आपके पास इंटरनेट होगा। प्रेजेंट एट रिमोट लोकेशन, जो किसी भी रिमोट लोकेशन पर प्रेजेंट है। दूसरा इसकी एक और डेफिनेशन ये भी है कि इट मीन्स स्टोरिंग मैनेजिंग एंड एक्सेसिंग दी डेटा, यानी कि ये डेटा को स्टोर भी कर सकता है, मैनेज भी कर सकता है और एक्सेस भी कर सकता है। एंड प्रोग्राम ऑन द रिमोट सर्वर्स, और उसे प्रोग्राम करता है रिमोट सर्वर पर, दैट आर होस्टेड इंटरनेट, जो कि होस्ट किया जाता है इंटरनेट के द्वारा, इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव। जबकि यहाँ पे कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव को यूज़ नहीं किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग की एक और डेफिनेशन है, वो ये है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ दी ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी। ये आपकी ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी है ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज विदाउट डायरेक्ट एक्टिव मैनेजमेंट बाय द यूज़र। वी स्टोर, हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं मैनेज एंड प्रोसेस डेटा। यहाँ हम डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं और उसे प्रोसेस भी कर सकते हैं ऑन रिमोट सर्वर्स पर। अगर हम कंसेप्ट ऑफ क्लाउड, जो कि इतना इम्पॉर्टेंट है, उसकी हमने डेफिनेशन तो देख ही ली है, अगर हम इसकी सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनी देखें तो वो है हमारी गूगल क्लाउड है, जो कि आप आजकल यूज़ भी कर रहे हैं।
दूसरा है AWS यानी कि Amazon वेब सर्विसेज है, फिर है आपका Microsoft Azure है, देन IBM क्लाउड है, फिर Alibaba क्लाउड है। ये सारी हमारी सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनीज हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ क्लाउड की बात करें तो टाइप्स ऑफ क्लाउड में चार तरह के क्लाउड हैं। फर्स्ट इज योर पब्लिक, सेकंड प्राइवेट, थर्ड हाइब्रिड एंड फोर्थ इज योर कम्युनिटी। फर्स्ट अगर हम पब्लिक क्लाउड की बात करें तो पब्लिक में क्या है, एक्सेस टू ऑल, इसे सब एक्सेस कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है जीमेल। जीमेल आप लोग चला भी रहे हैं तो यानी कि पब्लिक क्लाउड की अगर हम डिस्कशन करेंगे तो वो हमारा उसे एक्सेस टू ऑल है, जिसे सब एक्सेस कर सकते हैं, उसका एग्जांपल है हमारा जीमेल। सेकंड है प्राइवेट। प्राइवेट में क्या है, एक्सेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ही इसको एक्सेस कर सकता है, मतलब ये ऑल के लिए नहीं है, ये किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, जैसा कि इसका नाम बता रहा है प्राइवेट, और इसका नाम जैसा बता रहा है पब्लिक। पब्लिक मीन्स सबके लिए है, प्राइवेट मीन्स किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। थर्ड है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों में यूज़ हो, यानी कि हम कह सकते हैं पब्लिक प्लस प्राइवेट। हाइब्रिड आपका होता है जिसमें पब्लिक भी हो और साथ साथ प्राइवेट भी हो, तो पब्लिक प्लस प्राइवेट मीन्स हाइब्रिड। क्लाउड फीचर्स इसमें दोनों ही होंगे, यानी कि इसे सब भी एक्सेस कर सकते हैं, साथ साथ एक कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन भी इसको एक्सेस कर सकता है, उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड। फोर्थ है हमारा कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या है, सर्विसेज एक्सेसिबल बाय अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे जो सर्विसेज हैं वो एक्सेस की जाती हैं एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ क्लाउड। क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ उतना ही बताया है जितना आपके AKTU सिलेबस में है, 5 to 10 मार्क्स में आएगा, तो आपको बस इतना ही लिखना है। एक बार इसके अभी इतना इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, इसके कुछ बेनिफिट्स एज वेल एज डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो इसका फर्स्ट बेनिफिट है रिसोर्सेज एक्सेसिबल एनीवेयर एनी टाइम। जैसा कि मैंने बताया कि आप इसे दिल्ली में भी एक्सेस कर सकते हैं, हैदराबाद में भी कर सकते हैं, चेन्नई हो गया, कैलिफोर्निया, USA, जापान, कोरिया, आप इसे कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ये हो गया आपका रिसोर्सेज एक्सेसिबल एनीवेयर एनी टाइम, और इसे आप किसी भी टाइम अवेलेबल कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे रात के 3 बजे एक्सेस करें या फिर आप सुबह के 10 बजे एक्सेस करें, आप इसे किसी भी टाइम कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। ये एक इसका इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है। दूसरा है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। ये आपकी ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस है, नो थर्ड पार्टी, इसमें थर्ड पार्टी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि अगर आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आपको रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत होती है, रिसेप्शनिस्ट आपको एक अपॉइंटमेंट देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे, आपको किसी थर्ड पार्टी की नीड नहीं है। थर्ड है रिड्यूस्ड IT कॉस्ट। ये IT कॉस्ट रिड्यूस करता है, क्यों, क्योंकि नो हार्डवेयर नो मेंटेनेंस। जैसा कि अभी बताया, यहाँ कोई हार्ड ड्राइव पेन ड्राइव की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा कोई हार्ड डिस्क हार्ड ड्राइव यूज़ नहीं कर रहे हैं तो यानी कि कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, तो हम कह सकते हैं रिड्यूस्ड IT कॉस्ट। फोर्थ है आपका स्केलेबिलिटी। इफ़ ट्रैफिक ऑन वेबसाइट इंक्रीज, अगर आपका ट्रैफिक वेबसाइट पर इंक्रीज हो रहा है, वी कैन स्केल अप एनी टाइम। तो हम इसे स्केल कर सकते हैं, स्केल अप कर सकते हैं किसी भी टाइम, एंड सिमिलरली स्केल डाउन ऑल्सो, और किसी भी टाइम हम इसे कम भी कर सकते हैं। पे एज पर यूज़, हम इसे अपने हिसाब से पे करेंगे, मतलब हमें जितना यूज़ करना है हमें सिर्फ उतना ही पे करना है, उससे ज़्यादा हमें कुछ यूज़ नहीं करना, पे नहीं करना, यानी कि हमारे लिए इकोनॉमिक भी है। तो ये आपको याद रखना है, पे एज पर यूज़। उसके बाद है कोलैबोरेशन। पीपल सिटिंग इन डिफरेंट कंट्रीज कैन डू अ प्रोजेक्ट। जैसा अभी मैंने आपको बताया, जो पीपल्स डिफरेंट कंट्रीज में बैठे हुए हैं, वो इसे यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के टाइम पर। दूसरा है इसका ऑफर सिक्योरिटी। ये हमें सिक्योरिटी देता है, साथ साथ लोकेशन एंड डिवाइस इंडिपेंडेंट। ये लोकेशन पे और डिवाइस पर नहीं डिपेंड है, ये उस पर इंडिपेंडेंट है। ना ही ऐसा नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ही इसे यूज़ कर सकते हैं या एक पर्टिकुलर डिवाइस पर ही यूज़ कर सकते हैं, तो ये लोकेशन और डिवाइस से इंडिपेंडेंट है, उस पर ये डिपेंडेंट नहीं है। अगला है सेव टाइम। ये टाइम को भी बचाता है, इससे हम टाइम की इसमें बहुत ज़्यादा सेविंग हो जाती है। तो ये तो सारे इसके बेनिफिट्स हैं।
तो हम ये देख सकते हैं कि इसमें बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो यस, इसमें डिसएडवांटेज भी है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि इसके लिए हमारे पास इंटरनेट का होना ज़रूरी है, तो नेटवर्क कनेक्शन डिपेंडेंसी है इसमें, इंटरनेट इज़ मस्ट। सेकेंड है लैक ऑफ सपोर्ट, इसमें सपोर्ट भी कम है। थर्ड है मे नॉट गेट ऑल दी फीचर्स, इसमें सारे फीचर्स नहीं हैं। नॉट ऑल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स आर सेम, मतलब ये सारे सर्विस प्रोवाइडर्स सेम नहीं हैं। आपको अगर कोई पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर ख़रीदना है, मतलब उससे कुछ डेटा एक्सेस कराना है, तो आपको पहले उसके बारे में जानना होगा, क्योंकि सारे सर्विस प्रोवाइडर्स सारे फीचर्स हमें अवेलेबल नहीं कराते हैं। तो हमारे पास बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज दोनों ही इसमें हैं। तो आपने देखा होगा कि आपको समझ में आ गया होगा कि कंसेप्ट्स ऑफ क्लाउड आज की डेट में हमारे लिए कितना यूज़फुल है। आपको एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ नहीं लिखना है, अगर ये 10 मार्क्स तक आएगा तो इतना आपके लिए काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंसर नोड्स के बारे में। सेंसर नोड्स को हम मोट भी कहते हैं। इस सेंसर नोड ऑल्सो नोन एज मोट इज अ नोड इन अ सेंसर नेटवर्क। ये एक ऐसा नोड है जो कि सेंसर नेटवर्क में दैट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सम प्रोसेसिंग, जो कि कैपेबल है परफॉर्म कराने के लिए कुछ प्रोसेसिंग, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को भी गैदर करता है, एंड कम्युनिकेटिंग विद अदर कनेक्टेड नोड्स, और उसके बाद अदर कनेक्टिंग नोड से कम्युनिकेट करता है इन अ नेटवर्क, नेटवर्क के अंदर। सेंसर्स आर डिज़ाइन टू स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कंडीशंस। सेंसर्स जो है वो डिज़ाइन किया गया है कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कंडीशंस पर ही इन द फिजिकल वर्ल्ड, एंड देन जनरेट अ सिग्नल दैट कैन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंडीशन बीइंग मॉनिटर्ड। दोज कंडीशंस में भी वो कंडीशंस आपकी लाइट, हीट, साउंड, डिस्टेंस, प्रेशर एट्सेट्रा कुछ भी हो सकती हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ सेंसर्स की बात करें तो हमारे पास है टेम्परेचर सेंसर, प्रेशर सेंसर, मोशन सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, केमिकल सेंसर, गैस सेंसर, स्मोक सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, एक्सेलरेशन सेंसर, ऑप्टिकल सेंसर एट्सेट्रा। सेंसर्स हमारे पास बहुत सारे हैं। तो आज हमने डिस्कस करा कंसेप्ट ऑफ क्लाउड्स के बारे में, और साथ साथ हमने सेंसर नोड्स के बारे में स्टडी करा। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं, और इसके नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।